मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। भारत निर्वाचन आयोग ने आज यानी कि मंगलवार को देश के 12 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। आयोग के मुताबिक बिहार के 1 संसदीय क्षेत्र और मणिपुर की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नवम्बर को होंगे, जबकि छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, MP, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, UP के 54 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव 3 नवंबर को होंगे। हरियाणा में भी उपचुनाव 3 नवंबर को होगा। सोनीपत के बड़ौदा हलके के वो विधानसभा क्षेत्र की सीट खाली थी और उस पर उपचुनाव होना था। हरियाणा की भी जानकारी आपको बाद में देंगे, लेकिन इन सभी सीटों पर होने वाले मतदान की मतगणना बिहार चुनाव के साथ 10 नवंबर को ही होगी। आयोग ने पश्चिम बंगाल और केरल के सीटों पर होने वाली उपचुनाव की तारीखों का ऐलान मंगलवार को नहीं किया। इससे पहले आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। बिहार चुनाव के शेड्यूल की जानकारी देने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि चुनाव आयोग 29 सितंबर को देश के बाकी राज्यों में उपचुनाव की घोषणा करेगा। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होगा। मध्य प्रदेश में 22 सीटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने इस्तीफा देकर कमलनाथ की सरकार बीते मार्च में गिरा दी थी, जबकि 2 सीटें भाजपा विधायकों के निधन से खाली हुई हैं। हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर 3 विधायकों प्रद्युम्न सिंह लोधी, सुमित्रा देवी और नारायण पटेल ने इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। वहीं यूपी में मल्हनी, जौनपुर, बागरमऊ, उनाव, देवरिया, स्वार रामपुर, टूंडला, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, काटमपुर, कानपुर और नौगांव सदात सीट पर चुनाव होंगे। यूपी की इन 8 सीटों में से 5 सीटें मौजूदा विधायकों के निधन के कारण खाली हुई हैं। इसमें 4 भाजपा के जबकि 1 सपा के विधायक थे। 2 सीटें विधायकों की सदस्यता खत्म होने के कारण खाली हुई हैं। इनमें से 1 भाजपा और 1 सपा की, जबकि 1 सीट टूंडला की सीट है से विधायक SP बघेल के 2019 में सांसद बनने से सीट खाली हुई थी। कोरोना के बीच बड़ौदा विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा भारतीय चुनाव आयोग ने कर दी है। 3 नवंबर को हरियाणा की बड़ौदा सीट के लिए वोटिंग होगी, वहीं 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी जो 16 अक्टूबर तक चलेगी। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इधर बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर हरियाणा के CM ने मंगलवार को चंडीगढ़ में भाजपा विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। हालांकि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है, इस पर भी हम जरूर आगे आप पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस किसान आंदोलन का बड़ौदा की उपचुनाव सीट पर जरूर फर्क नजर आएगा। हालांकि विधायकों के कुछ अपने मुद्दे व विधानसभा क्षेत्र से जुड़े काम भी हैं, उन पर भी CM लगता है इस पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा विधायकों की बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार की ड्यूटी लग सकती है। सोनीपत जिले की बड़ौदा विधानसभा सीट 1967 के चुनाव से ही है। अभी तक हुए 13 बार चुनावों में इस बार विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 2009 से लगातार कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा 3 पर इस सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे थे। वे 2009, 2014 और 2019 में जीते थे। 12 अप्रैल 2020 को विधायक श्री कृष्ण हुड्डा का निधन हो गया था। वे 74 वर्ष के थे। हुड्डा 6 बार के विधायक थे। 2019 के चुनाव में पहलवान योगेश्वर दस को हराकर 6ठी बार वे विधानसभा में पहुंचे थे। चुनाव के मद्देनजर सत्ता दल भाजपा जजपा ने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए सरकारी योजनाओं की भी झड़ी लगा रखी है। आपको याद होगा अभी पिछले 3-4 दिन पहले CM ने कई घोषणाएं की थी। इसके बाद भी भाजपा जजपा के लिए यहां चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इस समय वहां कांग्रेस की स्थिति थोड़ी मजबूत है और लोगों का झुकाव भी कांग्रेस के प्रति है, और कृष्ण हुड्डा की मौत के बाद थोड़ी सहमति भी है। कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहाँ से पहलवान योगेश्वर दत्त को चुनाव में उतारा था, जो नामी गिरामी पहलवान है और योगेश्वर दत्त भारत के लिए खेल चुके हैं। श्री कृष्ण हुड्डा ने योगेश्वर को मैच 48-40 वोटों से हराया था। अब देखना यह भी विशेष रहेगा कि भाजपा और कांग्रेस किस उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। जजपा पहले ही साफ कर चुकी है कि उपचुनाव में उनका भाजपा को पूरा समर्थन रहेगा, लेकिन उम्मीदवार भाजपा का होगा।
केंद्र सरकार द्वारा किसानों से जुड़े कृषि विधेयक संसद में पास कर दिए जाने के बाद हरियाणा में किसान भाजपा और जजपा का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के बीच चुनाव होना कहीं ना कहीं भाजपा और जजपा दोनों के लिए एक कड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में दोनों पार्टियां चुनाव की क्या रणनीति बनाते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। बड़ौदा सीट किसान बाहुल्य क्षेत्र वाली सीट है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.